हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू दिस चैनल ऑफ एशियन चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, पार्ट वन, एक्सरसाइज 9.1 ऑफ क्लास 10th। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, उसका पहला पार्ट एक्सरसाइज 9.1 है। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट, यहाँ पर जो एक ग्राफ का स्केल दे रखा, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष बोलते हैं, और पूरा बोलते हैं एक्स ओ एक्स डैश। ये जो इसको मूल बिंदु बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ओरिजन, इस ओरिजन से राइट की तरफ प्लस वैल्यू जो होती है और लेफ्ट की तरफ माइनस वैल्यू जो होती है। जैसे ये प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, इसी तरह माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। और जो ये जो अक्ष है इसको वाई एक्सिस या वाई अक्ष बोलते हैं, वाई ओ वाई डैश। इसमें जो है हमें ध्यान रखना, जीरो से अबव प्लस में वैल्यू चलती वन टू थ्री, और जीरो से बिलो माइनस में वैल्यू चलती माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है यानी किसी बिंदु का निर्देशांक, उसको हम एक्स वाई से लिखते हैं। यानी पहला जो वैल्यू होगा वो एक्स को डिनोट करता है, सेकंड वैल्यू वाई को। ऑर्डिनेट ओटी, अब वैल्यू ऑफ वाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, सच दैट एक्स एक्सिस है, इससे पर्टिकुलर डिस्टेंस, यानी जैसे यहाँ से टू यूनिट की ये डिस्टेंस है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, यानी लंबवत दूरी। कौन से अक्ष से? एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट या कोटी। यानी वाई जो होता है वो एक्स अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी होती है। अवशेषा, जिसको भुज बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी एक्स की वैल्यू क्या होती है, वाई एक्स से उस बिंदु की लंबवत दूरी। जैसे ये टू यूनिट या ये थ्री यूनिट लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कहाँ से होगी, कौन सी एक्स से होगी, वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स इज वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू जो होगी वाई एक्स से उस बिंदु की लंबवत दूरी होगी। यानी द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, यानी कि ये ओ जो दिख रहा है यहाँ पर, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे जीरो जीरो। यानी एक्स की वैल्यू भी वहाँ जीरो होगी और वाई की वैल्यू भी जीरो होगी। कैसे, जब ये हम एक्स एक्स पर चलते ओ पर पहुँचेंगे तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, जीरो। इसी तरह वाई एक्स की बात करें तो यहाँ पर भी वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो एक्स एक्स और वाई एक्स जहाँ भी मीट करते हैं वो ओरिजिन कहलाता है या मूल बिंदु कहलाता है, जिसकी कोऑर्डिनेट या निर्देशांक है वो जीरो जीरो होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक जीरो जीरो। फिर हमें द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला लर्न रखना, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस स्क्वायर ऑफ वाई टू माइनस वाई वन, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का फार्मूला। इट इज इम्पोर्टेंट, इट शुड बी लर्न बाय हार्ट, इसे याद करना। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजन जीरो जीरो, ओ जैसा कि ये जो बताया था, दिस इज ओरिजन या मूल बिंदु, यहाँ से किसी भी बिंदु की दूरी जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, वो डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन किसी बिंदु की मूल बिंदु जीरो जीरो से जो दूरी होगी वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस,
हम एक्स एक्सिस पे कोई बिंदु लेते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, इसका एनी पॉइंट, जैसे मैं इसकी बात करूँ तो ये जो पॉइंट टू है जो किसकी वैल्यू शो कर रहा है, एक्स की। बट यहाँ जब पहुँचते हैं तो ये वाई एक्सिस पर हमें क्या मिलता है, जीरो। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी वैल्यू होगी वो एक्स की वैल्यू तो होगी बट वाई की वैल्यू जीरो होगी। तो इसीलिए यहाँ ध्यान दें आप, एक्स एक्स पर कोई भी वैल्यू किसी भी पॉइंट की वैल्यू में एक्स की वैल्यू तो होगी बट वाई की वैल्यू जीरो होगी। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में जैसे ये पॉइंट थ्री है तो ये थ्री जो वैल्यू है वो वाई की वैल्यू हो जाएगी। बट जब हम एक्स एक्सिस पर चलते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलती है, जीरो। यानी यहाँ पर हमें ध्यान रखना है एक्स की वैल्यू जीरो होगी और वाई की वैल्यू कुछ होगी। वाई एक्स के वाई एक्स पर कोई बिंदु है नहीं, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, देन एक्स की वैल्यू जीरो बट वाई की वैल्यू समथिंग। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एट इंटरनल डिवीजन, अंत विभाजन पर कोई बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है, एम वन इंटू एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, इसी प्रकार एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अभी डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट माइनस सिक्स सेवन एंड माइनस वन फाइव, यानी बिंदु माइनस छः सात और माइनस एक पाँच के मध्य दूरी ज्ञात करो। सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, इसका ये पहला बिंदु इसको मैं ए मान लेता हूँ, ये सेकंड बिंदु बी है, तो ये इसकी डिस्टेंस हो गई है बी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है सिक्स और सेवन, माइनस सिक्स और सेवन, इसकी कोऑर्डिनेट है माइनस वन एंड माइनस के फाइव। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम लेट कर लेते हैं दिस वन ए पॉइंट एंड दिस वन बी पॉइंट, तो फाइंड करना हमें ए बी, डिस्टेंस ए बी। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर एंड वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ जो ये वैल्यू है, दिस वन एक्स वन की वैल्यू है और ये वाई वन की वैल्यू, यानी एक्स और वाई होता है तो फर्स्ट पॉइंट में वन वन होगा और सेकेंड पॉइंट में एक्स टू की वैल्यू और वाई टू की वैल्यू। तो इसी को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान देना एक्स टू की वैल्यू कितनी बन रही, माइनस वन, देन माइनस, और एक्स वन की वैल्यू कितनी, माइनस सिक्स, माइनस सिक्स इसका होल स्क्वायर। वाई टू की वैल्यू कितनी बन रही, माइनस फाइव, देन माइनस, और वाई वन की वैल्यू सेवन है इसका स्क्वायर, क्या बन जाएगा, माइनस वन, ये माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस सिक्स स्क्वायर, और माइनस दोनों वैल्यू माइनस की तो ऐड हो जाएगी, माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर। सिक्स प्लस का माइनस वन फाइव बचेगा, फाइव का स्क्वायर और माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर, 5 इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव होता है, माइनस ट्वेल्व, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 12 का 12 वन फोर्टी फोर, ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व 169, एडिशन करेंगे जोड़ेंगे तो 169, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, 13 इकाई, 13 यूनिट, इसको इंग्लिश में 13 यूनिट बोलेंगे। तो इस तरह से ये बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से ये है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एक्स थ्री एंड फाइव सेवन इज फाइव, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये स्केल एक ड्रॉ कर रखा, यदि बिंदु ये और ये की मध्य दूरी पाँच इकाई है तो एक्स का मान ज्ञात करो। तो हम लेट कर लेते हैं, ये भी पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट बी है। पहला पॉइंट जो है वो
एक्स और थ्री इसके कोऑर्डिनेट है, दूसरा पॉइंट जो है इसके 5 और 7 है, और इसकी डिस्टेंस हमें दे रखी 5 यूनिट, यानी ये डिस्टेंस गिवन है। तो वी नो दैट ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना आपको, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर इसी तरह हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। ए बी यानी डिस्टेंस ए बी गिवन है, कितना है 5 यूनिट, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर ए बी की वैल्यू 5 है। इसी तरह देखो, पहले बताया था ये एक्स वन की वैल्यू है, इट इज वाई वन की वैल्यू, इसी तरह ये एक्स टू की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू, वाई टू की। अगर आप इसको व्यवस्थित लिख भी सकते एक्स वन इक्वल्स टू एक्स, वाई वन इक्वल्स टू थ्री, एक्स टू 5, एक्स वाई टू 7, तो एक्स टू की वैल्यू यहाँ कितनी बन रही 5, माइनस एक्स वन की वैल्यू एक्स ही है तो एक्स लिखेंगे, वाई टू 7 वैल्यू माइनस वाई वन 3 है, होल स्क्वायर 5, ये 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक तरह से रिमूव करेंगे तो यहाँ यानी कि बाई स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। कब होगा ये, जब ये स्क्वायर रूट का साइन हटाएंगे तो ये इसमें चेंज हो गया स्क्वायर में, इधर से स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये हो गया 60, 25, 16 मैं इधर ले आता हूँ तो उधर इसका होल स्क्वायर बोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूले से, ए स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर 2ab, 2 इंटू ए यानी 5, 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 इंटू एक्स 10x, बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 25, इधर भी है 25 इधर भी, कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास 16 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर ये बचा है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x ये हमने पहले लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, माइनस 16 इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 16 और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 16 माइनस का था वो ट्रांसपोजिशन हो गया, उधर पक्षांतर कर दिया तो इधर वैल्यू 0 होगी। अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो 16 के ऐसे फैक्टर करने के प्लस करने पर 10 आवे तो 8 टू जा, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स माइनस 8 और एक्स माइनस 2, आपको ये बता देता हूँ कैसे, 8 टू जा 16 होता माइनस 8 और माइनस 2, माइनस माइनस प्लस इंटू में 16 होगा और ऐड करते तो माइनस 8 और माइनस 2 कितना होगा, प्लस का 10, तो इससे वैल्यू क्या फाइंड होगी, एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0 कर लेते और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, पहले ब्रैकेट की वैल्यू को 0 के इक्वल कर देना, सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू भी 0 के इक्वल कर देना, तो ये यहाँ पर बन गया x इक्वल्स टू माइनस 8, इधर आएगा क्या बनेगा प्लस का 8 और x इक्वल्स टू माइनस 2 उधर जाएगा क्या बनेगा x इक्वल्स टू प्लस 2, तो हैंस वी फाइंड x वैल्यू प्लस का 8 और प्लस का 2। वन मोर, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स माइनस 2 माइनस 5 एंड 2 माइनस 3। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं से समदूरस्थ है। इस पॉइंट को हम ए डिनोट कर लेते हैं और इसको बी, तो ये कह रहा बिंदुओं से, तो पहला ओ ओ और एंड, एंड के पहले और बाद वाला जो पॉइंट होता है इसको हम ए वैल्यू, ये बी ले लेते हैं।
तो पॉइंट ए कितना है, माइनस टू माइनस फाइव इसका कोऑर्डिनेट हो गया, इसका है टू एंड माइनस थ्री। ये कह रहा है हमें क्या फाइंड करना है, एक्स एक्सिस एक्सिस का कोई बिंदु, हम सपोज कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस ही है ऑन एक्स एक्सिस, ये बिंदु हमने पी मान लिया। एक्स एक्स का जो पॉइंट होता है वो हम एक्स और जीरो लेते हैं, क्यों, क्यों एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा वो एक्स जीरो ही होगा। कैसे, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये वापस बता देते हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेना तो पी एक्स जीरो ही लेना, और वाई एक्स का कोई भी पॉइंट लेना तो जीरो वाई लेना। एक्स एक्स पर एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू जीरो होती है हमेशा, और वाई एक्स पर एक्स की वैल्यू जीरो होती है, वाई की वैल्यू कुछ न कुछ जरूर होती है। अगेन क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है समान दूरी, यानी कि ये पॉइंट पी है, इसका बिंदु ए से जो डिस्टेंस है वो, और पी का बिंदु बी से जो डिस्टेंस है वो, यानी कि ए से पी का डिस्टेंस और बी का पी से डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि हमें मैथमेटिकली ये पता है कि ए से पी का डिस्टेंस है ए पी, और पी का बी से जो डिस्टेंस है बी पी इक्वल है, या पी बी कह दो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, सम इक्वी डिस्टेंस है, समान डिस्टेंस पर है ये बिंदु, यानी समान दूरी पर है। तो यहाँ हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, ए पी के लिए, इधर बी पी के लिए, वही डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, इसी तरह इधर भी एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ये हम किसके लिए बोल रहे हैं, ए पी के लिए, तो ए और पी के पॉइंट हमें काम में लेने, तो ये एक्स टू की वैल्यू कितनी होगी, एक्स एक्स वन की वैल्यू माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा, ये क्यों हुआ, फॉर्मूले माइनस है और फिर माइनस की वैल्यू से इंटू होता तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह y2 की वैल्यू इतनी क्या है, जीरो, माइनस y1 की वैल्यू फाइव पे माइनस का, माइनस माइनस प्लस फाइव हो जाएगा ये भी। इसी तरह इधर पी बी के लिए कर रहे काम, तो p और b के पॉइंट्स हमें काम मिल रहे, टू में से x, वो x2 की वैल्यू टू हो गई और x1 की वैल्यू x स्क्वायर, इसी तरह y2 की वैल्यू माइनस थ्री और y1 की वैल्यू जीरो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, एंसल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर पहले ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू एक्स, टू एक्स फोर एक्स हो जाएगा और टू का स्क्वायर फोर, जीरो प्लस फाइव फाइव, फाइव फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर टू टू जा फोर, टू ए बी टू टू फोर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, थ्री माइनस जीरो थ्री, थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का फोर गया, रिमेनिंग फोर एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस फोर एक्स प्लस नाइन, एक्स की वैल्यूज को एक तरफ ले लेते हैं, फोर एक्स माइनस फोर एक्स इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का फोर एक्स नाइन, ये ट्वेंटी फाइव आपको ट्रांसपोजिशन कर देना, माइनस ट्वेंटी फाइव कितना एक्स हो गया, एट एक्स माइनस के सिक्सटीन, माइनस ट्वेंटी फाइव से नाइन गया, एक्स की वैल्यू माइनस सिक्सटीन अपॉन एट, सिक्सटीन डिवाइडेड बाई एट से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स की वैल्यू टू आ गई। द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एन ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष पर
वह अभीष्ट बिंदु क्या होगा? हमने पी एक्स जीरो लिया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा पी एक्स की वैल्यू माइनस टू वाई माइनस टू और जीरो, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस वाले क्वेश्चन कुछ अगले पार्ट में भी लेंगे, लेकिन इस पार्ट को आप अच्छे से रिवाइज करना बार बार। अगले टॉपिक के साथ शीघ्र ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।